खबर दतिया से है, जहां पुजारी त्रिलोकीनाथ हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुजारी बाबा के साथ आए दिन खाना पीना शराब का सेवन करने वाला साथी प्रमोद रायकवार निवासी चक्र राम सागर ही हत्या का आरोपी निकला। आरोपी ने नशे की हालत में पत्थर से सिर पूछ कर पुजारी त्रिलोकीनाथ की हत्या का आरोप कबूल कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एएसपी कमल मौर्य, एसडीओपी सुमित अग्रवाल, टीआई राकेश साहू ने सिविल लाइन थाने में प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया, जिसमें एसआई रचना माहौर, एसआई एसआर पालिया, आरक्षक भूपेंद्र राणा, हेमंत प्रजापति, केडी राय आदि अहम भूमिका रही। थाना सिविल लाइन के ग्राम चक्र राम सागर है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई जब ग्रामीण लोग मंदिर में पहुँचे, ग्रामीण लोग मंदिर में पहुँचे तो वहाँ के पुजारी की हत्या सब उनको मिला। इनकी सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपनी सभी टीम को जागृत किया और सभी टीम को वहाँ पहुँचने के निर्देश दिए गए और सोमवी वहाँ पहुँचे। जब हम लोग घटना स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात ग्राम में लगातार दो तीन टीम अलग अलग बनाई और लोगों से अलग अलग पूछताछ करी, एक संदिग्ध व्यक्ति हमको वहाँ मिला। उस संदिग्ध व्यक्ति को जब हम लेके आए और रात में उसे जनता के साथ पूछताछ की थी तो उसने अपना गुरु स्वीकार किया है और दोनों ही गुरु चेले हैं। ये चेला जो है प्रमोद रायकवार उनके चार दिन का चार दिन तक सेवा कर रहा था, शराब पीने के लेकर तो उनको झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में हाथ आगे उन्होंने हुई और पहले इनमें तो इसने उसको पत्थर मार दिया और पत्थर से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया और आज गांधी न्यायालय में पेश किया।